Yes, all of you have joined. Okay, very good. चलो तो मैं क्या पूछ रहा था आपको, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. हाँ, खुशी कटारिया हैज आल्सो जॉइंड. खुशी कटारिया, फर्स्ट हाफ में क्यों नहीं आए थे आप? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो. पल्वी शर्मा इज सेइंग जीरो. यस, सो एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. क्यों जीरो होगा? देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, है ना, तो फिर उस पर एक ही एक्सेलरेशन लगता है. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर अब इस पे एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इस पे एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है ना, जी, और जी तो लगता है वाई डायरेक्शन में. जी आपका कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में. सो एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपका एक ही एक्सेलरेशन होगा ओनली इन वाई डायरेक्शन. सो आई विल राइट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जी. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? अब देखो, ऊपर अगर प्लस जे कैप है तो नीचे क्या होगा? माइनस जे कैप. सो आई विल राइट एक्सेलरेशन इज जी माइनस जे कैप. जी इन माइनस जे कैप डायरेक्शन, अल्टीमेटली यू विल गेट माइनस जी J cap. This will be the acceleration in y direction. ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि वेक्टर्स अभी अभी हमने पढ़ा है तो हमें वेक्टर्स का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर फॉर्म में हमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है. ठीक है, सो अगर मुझे अब फाइंड आउट करने, चलो अब हम इसके पैरामीटर्स कंक्लूड करेंगे. सर मैं 10 मिनट लेट थी. ओके, नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना, अभी मैंने आपके अटेंडेंस लगा दिए. ठीक है, चलो. सो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी जे कैप, है ना. तो एक्सेलरेशन भी हमें पता चल गया, वेलोसिटी भी हमें पता चल गई. अब सपोज करो मैंने आपको पूछा, कुछ टाइम के बाद आपका पार्टिकल, आपने उसको ओरिजिन से जो फेंका है, कुछ टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहां पे कहीं पहुंच जाएगा. लेट से दिस पॉइंट इज ए. इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है, है ना, सपोज करो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वी हो जाती है. लेट से दिस पॉइंट ए द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज वी. एंड इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस वी वैक्टर, तो देखो इस वी वैक्टर के भी दो कंपोनेंट होंगे. इस v वेक्टर के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो vx इन x डायरेक्शन, एक vy इन y डायरेक्शन. इस v वेक्टर के भी दो कंपोनेंट होंगे. चलो अब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जब पार्टिकल a पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. सो यू विल अप्लाई बोथ द इक्वेशंस, फर्स्ट इन x डायरेक्शन. पहले x डायरेक्शन में एनालिसिस करते हैं, फिर हम y डायरेक्शन में एनालिसिस करेंगे. विल डू एनालिसिस इन बोथ द डायरेक्शंस. सो x एक्सिस पे देखो क्या होगा, योर vx विल बी ux प्लस ax इंटू t. सो यू विल गेट
अब देखो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, सो दिस टर्म विल बिकम जीरो. यू विल गेट वी एक्स बराबर यू एक्स एंड यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी. इससे हमें एक चीज पता चल गई कि मैं किसी भी पॉइंट पे चले जाऊं प्रोजेक्टाइल मोशन में, मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा. चाहे मैं इस पॉइंट पे जाऊं, 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 मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊं, मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम. क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन जीरो है, सो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी ऑलवेज सेम, विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा. चलो अब वाई कंपोनेंट की बात करते हम. तो वाई कंपोनेंट में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. सो आई विल फाइंड आउट दिस इक्वेशन. तो फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है वी वाई. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा. एक्सेलरेशन कितना है, देखो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी. एक्सेलरेशन कितना लग रहा है आपका, नेगेटिव ऑफ जी. So you will put here negative of g into t. So आपका जो y component of velocity है वो क्या आ गया, u sin theta minus gt. This is your y component of velocity which is u sin theta minus gt. अब मुझे net velocity अगर लिखनी है, so net velocity क्या होगी, v vector is equal to, वेक्टर को कैसे लिखते, देखो वी एक्स आई कैप दैट इज द एक्स कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी प्लस वी वाई जे कैप विच इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. सो वी एक्स की वैल्यू आपको पता है, देखो यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे विच इज यू कॉस थीटा आई कैप. एंड वी वाई की वैल्यू कितनी है देखो, विच इज यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप. दिस विल बी योर वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट. आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, तो दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन to calculate the velocity of the any particle at any instant in a projectile motion. This is the generalized equation. अब इसको कैसे यूज करते हैं आपको बताता हूं. देखो सपोज करो मैंने आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया और मैंने आपको बोला लेट से इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल at t equal to 5 seconds. So you will directly apply this equation. Initial velocity is given to you, that is 20. Cos of theta is your cos 30. I cap plus u sin theta means 20 into sin 30. माइनस जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 5, जे कैप. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड्स इन दिस केस. सो किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो. अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एंगल पता है, आपको टाइम पता है, यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. ठीक है, अब आपको स्पीड निकालनी है. सो स्पीड निकालने के लिए वापस यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड. स्पीड इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. दिस विल बी द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है,
ठीक है, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो हमको क्या मिल गया, 20 cos 30 मींस 20 into cos 30 sin 60 which is root 3 by 2 i cap plus 20 sin 30 is 10 minus 50 j cap. सो आपका वेलोसिटी का वेक्टर कितना आ जाएगा, 10 root 3 i cap minus 40 j cap. Your velocity vector will be 10 root 3 i cap minus 40 j cap. So your speed will be, at this instant your speed will be under root of 10 root 3 ka square plus minus 40 ka whole square. From here you will calculate the speed of projectile at any instant. किसी भी instant पे आपको पूछा हो तो आप easily find कर सकते हो. Always keep in mind the basics. So basic हमारा यही है कि we can apply the equation of motion in both the direction individually as well as simultaneously. दोनों directions में हम equation of motion लगा सकते हैं, एक साथ लगाई है हमने. देखो x पे भी लगाई है और y पे भी लगाई है. x पे लगाने से हमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया, y पे लगाने से हमें y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया. सो मैंने वेक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट किया, वेक्टोरियली रिप्रेजेंट किया तो मेरा वेक्टर ये आ गया, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप. दिस इज द मेन वेक्टर इक्वेशन. इफ इन अ क्वेश्चन इट इज गिवन यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. ठीक है, सो ये तो हमने वेलोसिटी की बात कर ली. अब बात करते हैं, तीन पैरामीटर्स आपको पढ़ने होते हैं प्रोजेक्टाइल में. वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, वन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वन इज द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालनी है. इसके अलावा हमें तीन पैरामीटर्स और पढ़ने हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, इफ आई हैव प्रोजेक्टेड एनी ऑब्जेक्ट, सो उसे इस पॉइंट से लेके ओ पॉइंट से लेके इस एफ पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ओ पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. सो हमने क्या किया, अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे. सर आपने जो भी वीडियो बनाए हैं चैप्टर 3 और 4 उसकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दीजिए, ना तो हमें देखने में इजी रहेगा. बेटा मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे बना दी है. ठीक है, हाँ प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी, आप देख सकते हो, वीडियो सारे अपलोडेड है ना, सारे वीडियोज आपके अपलोडेड है. यू कैन सी एनी वीडियो एनी टाइम एट वॉट एवर टाइम यू वॉन्ट. ठीक है, चलो. सो मैंने क्या आपको बताया, देखो बड़े ध्यान से सुनो, अब थोड़ा मोशन आपको एनालाइज करना पड़ेगा. तो जैसे आपने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट से और वो फाइनली कहां पहुंच गई, एफ पॉइंट पे, है ना, फाइनली कहां पे पहुंच गई वो बॉल, एफ पॉइंट पे पहुंच गई. सो एफ पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, है ना, एफ पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा. सो अगर आप बड़े ध्यान से इस मोशन को देखो, सो आपको दिखेगा कि जब बॉल ओ से एफ आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में देखो जीरो हो जाए, एक्स डायरेक्शन में उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा बट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो. कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि जब मेरी बॉल इस पॉइंट से ये पाथ को फॉलो करती हुई इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसका y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो. x एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, OF इज योर डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस. बट अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस में वो h हाइट तक सपोज करो ऊपर गई और h हाइट फिर से नीचे आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना. कितने बच्चों को समझ आ रहा है, मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं, अगर मैंने किसी बॉल को फेंका तो y एक्सिस पे वो h हाइट तक ऊपर गई और फिर h हाइट नीचे आ गई
तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, है ना, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वाई एक्सिस पे, जीरो हो गया, वेरी गुड। सो मैं वाई एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आई विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। क्यों मैंने वाई डायरेक्शन को चूज किया, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एनालिसिस करना इजी हो गया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। सो आई विल अप्लाई द इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो यू कैन सी दैट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा, वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट इज यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। सो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट टी इज इक्वल टू 2u sin theta upon g. This will be your time of flight. This will be your time of flight. Generally books में इसको capital T से denote करते हैं, तो आप capital T लिखना चाहो तो capital T भी लिख सकते हो। So time of flight का equation आपका क्या आ गया, 2u sin theta upon g। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज टी इज इक्वल टू टू टाइम्स, अब यू साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट यू साइन थीटा एज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो आई कैन ऑल्सो राइट टू टाइम्स यू वाई अपॉन जी, टू टाइम्स यू वाई अपॉन जी। अच्छा अभी आपको और फील करवाता हूं, सपोज करो मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दू, है ना, सो आपका 2D मोशन 1D मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2D को 1D कैसे बनाते, देखो सपोज मैंने थीटा आपका कर दिया, इफ आई हैव इंक्रीज योर एंगल थीटा एंड आई हैव इंक्रीज दिस एंगल एंड मेक दिस एंगल टू 90 डिग्री, है ना, अगर मैंने थीटा को बढ़ा के 90 डिग्री कर दिया तो आपकी बॉल इधर जाने की बजाय कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। सो दिस 2D मोशन विल बी कन्वर्टेड इनटू 1D मोशन। अभी ये 2D मोशन है, जैसे ही मैं आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख दूंगा, सो 90 डिग्री पे जब आप किसी बॉल को फेंकोगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन 1D मोशन। समझ आया आपको, 1D मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। So 1D motion is a, I can say that one dimension motion is a part of two dimension motion. You can say that 1D motion is the part of 2D motion. है ना? 2D motion का एक special case है. 1D motion is the special case of 2D motion. When you put theta is equal to 90 degree, I can say that your 2D motion is converted into 1D motion. अब देखते हैं वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। सपोज करो मैंने थीटा 90 रख दिया, सो इधर आपका देखो टाइम भी वही आएगा, आप थीटा 90 रखोगे इधर, सो यू विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट एज 2u sin 90 इज 1 अपॉन g। सो हमको टाइम यही मिलता था, याद करो 1D मोशन में जब आप किसी बॉल को फेंकते थे, जब आप किसी बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करते थे 1D मोशन में, सो आपको टोटल टाइम कितना मिलता था, ऊपर जाने का और नीचे आने का, उस बॉल का जो टाइम आपको मिलता था वो यही मिलता था, दैट इज 2u अपॉन g। आप निकाल के देखना चाहो तो निकाल के देख लो, यू विल गेट दिस टाइम ओनली, ऊपर जाने का और नीचे जाने का टाइम कितना होता है 1D मोशन में 2u अपॉन g, और 2D मोशन में वही टाइम कितना हो जाता है 2u sin थीटा अपॉन g। सो जब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे, your 2D motion will be converted into 1D motion. इस बात को समझना बहुत जरूरी है।
तो आपको पूरा फील हो जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, आई विल ऑल्सो आस्क वन मोर क्वेश्चन। सपोज मैं आपकी बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं, इफ आई प्रोजेक्ट द बॉल लाइक दिस, और आई प्रोजेक्ट द बॉल लाइक दिस, और आई प्रोजेक्ट द बॉल लाइक दिस, और आई प्रोजेक्ट द बॉल लाइक दिस, अल्टीमेटली ये बॉल यहां से भी प्रोजेक्ट करूंगा तो नीचे ही आएगी, यहां से भी प्रोजेक्ट करूंगा तो नीचे ही आएगी, यहां से प्रोजेक्ट करूंगा तो नीचे आएगी, यहां से प्रोजेक्ट करूंगा तो भी नीचे आएगी, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको दिए हुए, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे एक एंगल ऐसा आएगा 90 डिग्री, जब आपका 2D मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1D मोशन में, फिर आपका एनालिसिस खाली वाई एक्सिस पे रह जाए, और जब आपका एनालिसिस खाली वाई एक्सिस पे होगा तो ये आपका 1D मोशन बन जाए। सिमिलरली जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे, देन अगेन योर मोशन विल बी ऑन एक्स एक्सिस, अगेन इट विल बी कन्वर्टेड 1D मोशन। ठीक है, जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी आपका कैसा एनालिसिस हो जाएगा, 1D मोशन का एनालिसिस हो जाएगा। सो मतलब थीटा का जो वैल्यू है 2D तभी रहेगा जब वो 0 से 90 के बीच में वेरी करेगा, 0 से 90 के बीच में ही आपका जो मैं कहूंगा 2D मोशन कहलाएगा, 0 जब हो जाएगा तो भी वो 1D मोशन बन जाएगा, और जब 90 हो जाएगा तो भी वो 1D मोशन बन जाएगा। ठीक है, सो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को क्लियर कर दिया। चलो अब हम रेंज निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल की रेंज किसको बोलते हैं। आज आपको प्रोजेक्टाइल में बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और आपको क्वेश्चंस भी उसी पेस में सॉल्व करने पे, है ना, होमवर्क में जब आपको दूंगा तो भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। चलो अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैं फिर से वही डायग्राम पे जा रहा हूं, रेंज इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब आपका प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैं बोलूंगा रेंज, दिस इज द नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओ से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूं रेंज। हम ऐसा बोलते ना कि होली पे जब हम पिचकारी वाली गेम खेलते थे टीम बना के, तो हम बोलते थे इसकी जो पिचकारी है उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा दूर तक उसका पानी जाता है ना, और इसकी पिचकारी का रेंज कम है। सो जिसकी पिचकारी में पानी ज्यादा दूर तक जाएगा उसकी रेंज उतनी ज्यादा है ना। सो रेंज इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज रेंज, एंड डिस्टेंस ऑन द वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज हाइट, डिस्टेंस ऑन वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज हाइट, एंड डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज रेंज। अब ये दो टर्म हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर देंगे पूरा, हाइट और रेंज निकालेंगे। आप इसको होमवर्क के तरीके पे भी ट्राई कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन हाइट और रेंज निकालने के लिए भी अगेन वी विल यूज दिस इक्वेशंस इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। सो बेसिक हमारा वही रहेगा, वी विल यूज 1D मोशन इक्वेशंस इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, हाँ 2 बज गए मुझे पता चल गया है। सो आज मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, वी विल कॉन्टिन्यू विद दिस सेशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट अगेन।